Hello dear students, welcome back in standard second subject English grammar. Please open your English grammar because we are doing some revisions of English grammar. Okay, आपकी exam जल्द होने वाली है तो आज हम English grammar का revision करेंगे. So open your English grammar book. Okay, here we have question number 1 in your paper. Okay, it will be in your paper. In question number 1. ओके ये होगा आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, राइट अंडर ईच पिक्चर द करेक्ट नेम फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. राइट, यानी कि आपको क्या करना होगा, राइट यानी कि लिखना, अंडर यानी कि नीचे, ईच पिक्चर यानी कि हर एक पिक्चर के नीचे द करेक्ट नेम फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो आपको वो नेम की लिस्ट दी जाएगी उसमें से आपको पिक्चर देखकर सही पिक्चर के नीचे आपको चूज करके सही नाम लिखना है. दैट्स इट. ओके, यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल. ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी जाएगी, पिक्चर्स के हिसाब से आपको यहाँ पर ब्लैंक्स होगी वो फिलअप करनी होगी, पिक्चर्स के नीचे उसका सही नाम लिखना होगा. ठीक है, आप ये पहले भी कर चुके हैं. पहला पिक्चर किसका है स्टूडेंट्स, इट सीम्स लाइक रेनबो, राइट, सो इट इज़ रेनबो एंड हियर इट इज. ओके, सो ऑप्शंस आर अवेलेबल, वी हैव टू राइट अंडर द पिक्चर रेनबो, R A I N B O W, रेनबो यानी कि मेघधनुष. नेक्स्ट है बाइसिकल, मान लीजिए यहाँ पर आपको बाइसिकल की पिक्चर दी गई हो उसके नीचे आपको सही नाम लिखना है, बाइसिकल B I C Y C L E. ठीक है, फिर है माउंटेन यानी कि पर्वत, M O U N T A I N. ओके, प्लीज राइट हिज स्पेल्स इन योर फोर लाइन नोटबुक एटलीस्ट 2 times. ओके, इफ यू आर राइटिंग इन योर फोर लाइन नोटबुक दिस स्पेलिंग्स देन यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड योर हैंड राइटिंग विल बी इम्प्रूव्ड. राइट, सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट दिस स्पेल्स इन योर इंग्लिश फोर लाइन नोटबुक 2 times. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी वेल. ओके, आपको ये रिमेंबर भी रखना है, ठीक है, आपको ये याद भी रखना है क्योंकि ये सेकेंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, हर एक स्टैंडर्ड में स्पेल ज़रूरी है, स्पेल तो आना चाहिए ना, इसीलिए यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल. माउंटेन, फिर है हैमर यानी कि हथौड़ा, एच ए डबल एम ई आर, हैमर यानी कि हथौड़ा. कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए नीचे अवेलेबल होगा ऑप्शंस में, हाँ लास्ट वाला ये रहा, देखिए ऑप्शंस भी अवेलेबल है, हैमर है, फिर है स्क्विरल, एस क्यू यू आई डबल आर ई एल, स्क्विरल यानी कि गिलहरी, एस क्यू यू आई डबल आर ई एल, स्क्विरल. नेक्स्ट है डेंटिस्ट, डी ई एन टी आई एस टी, डेंटिस्ट. फिर नेक्स्ट है बटरफ्लाई यानी कि तितली, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, टीत के डॉक्टर होते हैं उसे बोलते हैं डेंटिस्ट, डी ई एन टी आई एस टी. फिर है बटरफ्लाई, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई, बटरफ्लाई. फिर है लाइब्रेरी, कई सारी बुक्स जहाँ पर अवेलेबल होती है उसे क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, जैसे हमने पहले लर्न किया था एल आई बी आर ए आर वाई, लाइब्रेरी. फिर है रॉकेट, आर ओ सी के ई टी, रॉकेट. फिर है फुटबॉल, एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल. नेक्स्ट है अम्पायर, यू एम पी आई आर ई. नेक्स्ट किसका पिक्चर है, कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल यानी कि ऊंट. टर्न योर पेज, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये भी स्पेल पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गर्दन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू हैव टू नो योर बॉडी पार्ट्स नेम, सो इट्स कॉल्ड नेक, एन ई सी के, एन ई सी के, नेक यानी कि गर्दन. फिर हमारे जो गाल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, चिक्स, सी एच डबल ई के, चिक यानी कि एक गाल. फिर है आंखें, आंखें को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं आई,
ठीक है, आई यानी कि आँख, एक आंख होती है तो ई वाई ई आई होती है। अगर दोनों आंखों की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एस लिखना है एज ए प्लूरल नाउन, ई वाई ई एस। ओके, नेक्स्ट है आम यानी कि बाजुए, ए आ ए आर एम आम यानी कि बाजुए। नेक्स्ट है लेग, एल ई जी लेग यानी कि पाव, एल ई जी लेग यानी कि पूरा पैर होता है, नी से लेकर नीचे तक पंजे तक उसे बोलते हैं लेग। लेकिन सिर्फ पाँव का, सिर्फ पैर का पंजा होता है ना, उसे बोलते हैं फुट। जैसे यहाँ पर हमें पिक्चर्स में दिया गया है, इसे सिर्फ फुट बोलते हैं, यहाँ से लेके नी से लेके यहाँ तक, ठीक है, एंकल तक उसे बोलते हैं लेग। नी से लेके एंकल तक उसे बोलते हैं लेग, और सिर्फ ये जो होता है हमारा पाँव उसे बोलते हैं फुट, लेग। उसके बाद है फुट, एफ डबल ओ टी, फुट यानी कि पैर। फिर है स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टमक यानी कि पेट। पेट को बेली भी बोला जाता है और स्टमक भी बोला जाता है, ठीक है, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टमक यानी कि पेट। और नेक्स्ट है हमारा मुंह यानी कि माउथ, जिससे हम बोल पाते हैं, राइट, जिससे हम खा पाते हैं, एम ओ यू टी एच, माउथ। We can eat with itself, right? तो ऐसे सारे होंगे, सारे स्पेल्स दिए होंगे, सारे पिक्चर्स दिए होंगे, उसके नीचे आपको स्पेल लिखना है। यहाँ पर देखिए नंबर 3, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इट्स हियर। यहाँ से आपको वॉवल्स या कॉन्सोनेंट में ये जो आपने अल्फ़ाबेट फिलअप किया है वो अल्फ़ाबेट फिलअप नहीं करना होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको पिक्चर दिया जाएगा, उस पिक्चर के हिसाब से पूरा स्पेल आपको लिखना होगा। मान लीजिए यहाँ पर है लेग का पिक्चर, तो आपको लिखना है एल ई जी लेग, ठीक है। फिर है पेन, तो आपको आना चाहिए पी ई एन पेन। फिर है हैट, टोपी यानी कि टोपी का चित्र दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको लिखना होगा कि टोपी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी माय बैड, टोपी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे और उसका स्पेल क्या होता है, तो उसे बोलेंगे हैट, एच ए टी हैट। फिर है एक नक्शा, नक्शे का चित्र, तो उसे क्या बोलेंगे, मैप। मैप यानी कि नक्शा, मैप यानी कि नक्शा। नेक्स्ट है कप, सी यू पी कप का पिक्चर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बन का पिक्चर, जो हम लोग खाते हैं, राइट, बड़ी चाव से खाते हैं, उसे बोलते हैं बन। मैप यानी कि नक्शा, एम ए पी मैप यानी कि नक्शा, सी यू पी कप यानी कि जो प्याला, चा का प्याला, उसे बोलते हैं कप, सी यू पी। नेक्स्ट है बन, बी यू एन बन। फिर है लॉग, एल ओ जी लॉग यानी कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा, एल ओ जी लॉग। फिर है पैन, पी ए एन पैन यानी कि तवा, जिसमें हम फ्राई करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पुडला बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उसे बोलते हैं पैन, ठीक है, तवा फ्राई। नेक्स्ट है हार्ट, एच यू टी हार्ट यानी कि झोपड़ी, जिसे बोलते हैं हार्ट। फिर है मॉप, एम ओ पी मॉप यानी कि झाड़ू। और नेक्स्ट है कैप, हेड भी बोला जाता है और कैप भी बोला जाता है। नेक्स्ट होगा कैप, सी ए पी कैप यानी कि टोपी, हैट और कैप टोपी के लिए यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बीन, बी आई एन बीन यानी कि डस्टबिन, डस्टबिन का शॉर्ट फॉर्म होता है बीन, ओके, तब कंफ्यूज मत होना, डस्टबिन यानी कि बीन। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन 2, राइट द फ्रूट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, टर्न योर पेज, नो कम टू द पेज नंबर 4, इट्स हियर पेज नंबर 4। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर है ग्रेप्स, फिर है पियर्स, फिर है एप्पल्स, फिर ऑरेंजेस, फिर है बनानास, बी ए एन ए एन ए एस, ठीक है, बनानास। फिर है मैंगोस, ठीक है। फिर है चीकूस, सी एच आई सी के डबल ओ एस। और फिर होगा पिक्स, एफ आई जी एस। मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका होगा, आपको इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर टू
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना होगा। कैसे, चलिए लर्न करते हैं। पहले अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है? इट्स ए, बिकमन ए। ए आता है, ऐसे होता है एप्पल्स। तो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना होगा ए डबल पी एल ई एस, एप्पल्स। ए के बाद आता क्या है? यस बी। ए के बाद आता है बी, तो बी से होता है बनानास, बी ए एन ए एन ए एस, बनानास। ये हो गया। फिर बी के बाद आता है सी। सी कहाँ पर है? सी से ये रहा, सी से चिकूस, सी एच आई सी के डबल ओ एस, चिकूस। सी के बाद आता है डी, फिर उसके बाद आता है ई एफ, जिसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी फ्रूट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एफ से है फिक्स, एफ आई जी एस। हो गया ए बी सी। डी से कोई नहीं था, ई से कोई नहीं था, इसलिए हमने लिखा फिक्स एफ, सी डी एफ जी। एफ के बाद आता है जी, जी से है ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस। हो गया। फिर है एच, एच से कोई नहीं, आई जे के एल एम, डायरेक्ट एम से है, राइट। उसके बीच वाले कोई भी अल्फाबेट से कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद आता है मैंगोस, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोस। हो गया। फिर एम के बाद एम एन ओ पी ओ, ओ से अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे ओरेंजेस, ओ आर ए एन जी ई एस। हो गया। ओरेंजेस के बाद आता है पीयर्स, ओ पी पीयर्स, पी ई ए आर एस। हो गया। तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया, कि अल्फाबेट के हिसाब से आपको नेम लिखना है। इट्स वेरी सिंपल, ए बी सी डी ई से कोई स्पेल नहीं था, कोई फ्रूट नहीं था, तो हमने नहीं लिखा। फिर आता है एफ, तो एफ से हमने लिखा। फिर है जी, एच आई से कोई नहीं है, जे के एल से भी कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आता है एम, एम से हमने लिखा मैंगो, फिर ऑरेंजेस और फिर पीएस, एम एन ओ पी, ठीक है। और आगे कोई भी फ्रूट का नाम नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, ओके। तो यही होगा आपकी एग्ज़ाम में, आपको अच्छे से इसे लर्न करना है और आपको वन टाइम ये लिखना है, ठीक है। वन टाइम अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक में लिखना होगा। नेक्स्ट जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है, ये तो जानते होंगे प्लूरल किसे कहते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हमें इंग्लिश ग्रामर में दिया गया है ऑन पेज नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स, यानी कि सिंगुलर में से आपको कन्वर्ट करके प्लूरल में करना है, ठीक है। सिंगुलर में से कन्वर्ट करके आपको ये सारे वर्ड्स प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर है ग्लास, तो ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस। लेकिन बाई द वे हमने ई एस क्यों यहाँ पर ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर है जो ई एस होता है वो कहाँ पर ऐड होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा वी एड ई एस टू सिंगुलर नाउंस दैट एंड, जो भी वर्ड का एंड यानी कि ये पिछले दोनों लेटर्स डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस सी एच एस एच के एक्स हो या फिर एक्स हो, तो उसके लिए आपको पीछे ई एस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। यू हैव टू ऐड ई एस वेन एवर यू कैन सी द वर्ड्स लास्ट टू लेटर्स एंड टू लेटर्स आर डबल एस सी एच एस एच अदरवाइज एक्स, देन यू हैव टू ऐड ई एस, ओके। For a plural noun, you have to represent plural noun. Sorry, you have to represent plural noun. Okay, you have to convert plural noun from a singular noun. Okay, that's why you have to do this. Glass. We have some examples. Let's see it. Glass. G L A double S. You can see here the last two letters are double S. That's why we have to add here E S. Next hoga watch. W A T C H.
Look at this palace. And look at this last two letters. CH are available in the last letter, right? CH. That means we have to add a ES. Watch became a watches. WATCHES. Watch became a watches. Next hoga brush. BRUCH. Asset. BRUSH. So what we have to do here? So you can see here the last two letters are asset, right? Last two letters are asset. That's why we have to do here BRUSHES. Clear? Brushes. ओके तो आपको ये सारे प्लूरल फॉर्म अच्छे से लर्न करने होंगे. यही प्लूरल फॉर्म होगा, आपको सिंगुलर नाउन में से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है. इट्स वेरी सिंपल, ये हम अच्छे से लर्न कर चुके हैं. यू कैन सी द नेक्स्ट FOX. यू कैन सी द लास्ट लेटर्स आर एक्स, राइट? सो वी हैव टू एड हियर ES, FOX ES. ओके, जस्ट लाइक दिस.